हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो असाइनमेंट नंबर 4 मैंने आपको इसके पहले अपलोड करके बताया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको भाषा या फिर गणित में से किसी एक के एक हफ्ता की पूरी आपको गतिविधि बना करके लिखनी है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने तो भाषा का तो आपको बता दिया था और मैथ्स के लिए मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया था। तो कुछ लोगों ने कमेंट करके मुझे बोला कि मैम, मैथ्स के लिए भी आप पूरी गतिविधि बता दीजिए। तो उसमें तो मैंने सिर्फ आपको 3 गतिविधि बताई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स के ऊपर भी 10 टॉपिक के पूरे आइडियाज़ दूंगी और साथ को मैंने पूरा ब्रीफली डिस्कस किया है, बाकी 3 मैंने आपको बस आइडिया दिया है। तो आज की इसी वीडियो ये इसीलिए है। और दोस्तों, आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, गणित की गतिविधि के लिए मैंने आपको पहले, दूसरे और तीसरे दिन के लिए तो उस वाले वीडियो में ही बता दिया था, बट आज मैं आपको उसके चौथे दिन और पांचवें दिन, छठवें दिन, मतलब पूरे एक हफ्ता का टॉपिक मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो आपको किस तरीके से करना है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है कि गणित की गतिविधि आपको ऊपर डालनी है। अगर जो लोग भाषा की गतिविधि नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप ऊपर लिख दीजिए हेडिंग में कि गणित की गतिविधि। उसके बाद आपको जैसे पहला डाल के लिखना है पहला दिन। फिर आपको ये सब तो मैंने उस वीडियो में ही बता दिया था कि आओ गिनती सीखें और खेल खेल में गिनती सीखें, आओ खाएं मीठा केक, गिनती की शुरुआत है एक। इस तरीके से मैंने आपको इसके पहले ही चतुर्थ सप्ताह वाले असाइनमेंट में आपको अच्छे से समझाया है। तो मैं बस आपको इसमें दिखा रही हूँ कि अगर आपको भाषा की गतिविधि ना बना करके गणित की गतिविधि बनानी है तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। विषय आपको वही डालना है, अपने संस्थान का नाम वगैरह डाल करके पहला, दूसरा, तीसरा दिन आपको इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद जो आज की इस वीडियो में न्यू है वो है आपके चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें दिन की गतिविधि, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे चौथे दिन का भी आपको डाल देना है। ये सॉरी, मैं ऊपर चौथा दिन लिखना भूल गई हूँ। आप पहले ऊपर लिख दीजिएगा चौथा दिन, उसके बाद नीचे टॉपिक पे लिखिएगा आपका जो टाइटल है, आओ घटाना सीखे। फिर आपको कुछ क्रिएटिव तरीके से फाइल में बना देना है। ऐसे 3 बॉल बना दीजिए कि 3 बॉल में से 1 बॉल अगर आप ले लेते हो तो आपके पास 2 बॉल बचती है, या फिर यहाँ पे आपने 4 ये माचिस की तीलियाँ हैं, इसमें से 2 आपने घटा दी तो कितनी बची। एक बार आप बता दीजिए कि 2 बॉल बचेंगे, उसके बाद उसको ऐसे क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ दीजिए, बच्चे खुद बताएंगे कि 1 शून्य से 1 चले गए तो 0 हो जाएगा। फिर आपको पाँचवें दिन की यहाँ पर लिख देना, पाँचवा दिन, पाँचवें दिन की टाइटल है आओ पहाड़ा याद करें। तो 2 1 2, 2 2 4, कुत्ते की टांगें भी होती हैं 4। इस तरीके से आपको क्या करना है कि एक पोयम बना के लिखना है, ताकि जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं बच्चे उसे पकड़ पकड़ के जल्दी तरीके से कुछ याद करते हैं। तो फिर आपको लिख देना है 2 3 6, 2 4 8, मकड़ी की टांगें होती हैं 8, 2 5 10, 2 6 12, आसमान में चंदा और ढेर सारे तारे। इस तरीके से आप कुछ भी बना करके लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ देखिए छठवें दिन का क्या है टाइटल, गिनती लिखें, पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, सिर्फ गिनती लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें 2 4 और खाली बॉक्स बना बना करके छोड़ देना है। आपको पूरी गिनती लिख देनी है और बीच में जो खाली डिब्बे हैं उसमें एक बार आप दिखा के लिख दीजिए आपको कैसे करना है 3 4, बाकी बच्चे वो खुद उसमें भर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सातवें दिन के लिए यहाँ पे गतिविधि लिखनी है। सातवें दिन में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है कि पूर्ववर्ती संख्या, उधर आपको पूर्ववर्ती संख्या मैंने गलती से लिख दी तो आप काट दीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है पूर्ववर्ती संख्या लिखें, यानी कि जो संख्या से पहले संख्या आती है उसे लिखें। छोटे छोटे बच्चे हैं इतना समझ सकते हैं आप, उनको 1 2 क्लास के बच्चों के लिए ये आप लिख सकते हैं। 6 लिख दीजिए, उसके आगे छोड़ दीजिए डिब्बा। एक बार आपको उसमें समझाना देना है कि हाँ, 6 के पहले 5 आता है, देन आपको यहाँ पे 9 उसके आगे खाली बॉक्स, 40 के आगे खाली बॉक्स बना देना है, 23 के आगे खाली बॉक्स। फिर उसी तरीके से आपको आठवां टॉपिक करना। तो आपको सिर्फ एक ही हफ्ते का है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ टॉपिक सजेस्ट करने के लिए, टाइटल सजेस्ट करने के लिए। आप अनुवर्ती संख्या लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, आओ बच्चों अनुवर्ती संख्या सीखें, या लिखें फिर 11 बना करके, 11 के बाद आपका 12 आता है, एक बार आप 12 बता करके दिखा दीजिए। देन आपको यहाँ 7 लिख के खाली बॉक्स, 56 लिख के खाली बॉक्स, 69 के आगे फिर एक ऐसे डिब्बा जैसा बना देना है। 9 में आपका है कि उंगली के सहारे जोड़ना सीखें। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर के थ्रू दिखाया है, इसमें ऐसे आपको नहीं खाली छोड़ देना। अगर आप ये लिख रहे हो ये वाला टाइटल, तो आपको पहले तो इसमें ये लिख देना है कि हम अपनी उंगलियां निकाल करके ऐसे बाहर गिनती करते हैं, 4 उंगलियां निकाल करके, 4 उंगलियां, फिर उसमें से 2 दबा लेते हैं, फिर हमारे पास 2 उंगली बचती है। इस तरीके से हम उंगलियों के सारे जोड़ना या फिर घटाना सीख सकते हैं। आपको उसमें ब्रीफली डिस्क्राइब करना होगा और फिर आप उंगली का चित्र भी इस तरह से बना के लिख दीजिए, आपकी फाइल थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगी। और 10वें में आपका है गतिविधि के माध्यम से गिनती करना सीखना। तो ये आपको
इसमें इस तरीके से लिख देनी है, जैसे बच्चों को आप गतिविधि करवा के सिखाते हो ना, कि चार बच्चों को आपने खड़ा कर दिया, पूछ दिया कि किसी एक से कितने लोग खड़े हैं, वो बताएगा कि हाँ हम चार हैं, ये आपका गतिविधि के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें भी आपको डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा कि कुछ आपने बच्चों के आगे पेन रख दिया या कोई भी आइटम रख दिया, उनसे पूछा कि कितने ये कितने पेन हैं, या ये फिर टोकरी में कितने बॉल्स हैं, या फिर कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आप इन्हें गिनकर बताइए इस तरीके से। तो आप देख सकते हो मैंने आपको वैसे 7 ही दिन का करना है, लेकिन मैंने आपको 10 टाइटल सजेस्ट किया है। इसमें से आपको जो भी ठीक लगे वो आप चूज़ करके अपने 4th असाइनमेंट के गणित की गतिविधि में लिख सकते हो। 4th असाइनमेंट आपको भाषा या फिर गणित की किसी एक गतिविधि पर बनाना है, वो भी 7 बनाना है। मैंने आपको 10-10 इसलिए दे दिया है कि आपको जो ठीक लगे वो आप इसमें से चूज़ करके लिख सकते हैं। एंड इसके पहले देखिए मैंने भाषा का लिखा था, भाषा का आपको बताया था, उसमें भी आपको 10 टॉपिक सजेस्ट किए थे। तो बहुत लोगों ने कमेंट करके बोला कि मैम मुझे मैथ का बता दीजिए पूरा, मैथ का मैंने 3 ही दिया था इसलिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने मैथ का भी आपको टोटल 10 टाइटल सजेस्ट कर दिया। आपको जो सूटेबल लगे, जो ठीक लगे, आप उसके ऊपर अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं, अपनी फाइल लिख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी के साथ ख़त्म होता है दोस्तों। बाकी GP आप से रिलेटेड और आपका 1st वीक का असाइनमेंट, 2nd, 3rd, 4th, 5th सब मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बाकी सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और जो स्क्रीन पे ये कुछ वीडियो शो हो रही हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ इन्हें देख लीजिए। और GP ऐप पर हो रही जितनी भी समस्या है उसका समाधान आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं।